हमारे आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि ये वीडियो आज सभी भारतीयों के दिल पर अपने एक अलग ही छाप छोड़ने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको भारत देश के वीर जवानों के ऐसे वीडियोस दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आप गर्व से कहेंगे, ये हमारे देश हमारी मिट्टी पर पैदा हुए वीर जवान है। उससे पहले ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्लैनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहते हैं ऊपर वाले की लाठी जब चलती है तो किसी को पता नहीं चलता। गुजरात के किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, इसके बाद का मंजर बहुत ही दुखदायी होता है। लोगों को रेस्क्यू किए जाने के दौरान ही ये वीडियो लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंचता है, जो दुख की इस घड़ी में हिम्मत डालने का काम करता है। इस वीडियो में एक पुलिस वाला जिसका नाम पृथ्वीराज जडेजा था, ये वीर पानी में डूबने से बचाने के लिए दो बच्चों को अपने कंधे पर उठा लेता है। मौजूदा घड़ी में कोई साधन न होने की परिस्थिति में उसने ऐसा किया और उनको कंधों पर बैठाकर तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक यूं ही पानी में चलते चला गया। वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर पृथ्वीराज की बड़ी प्रशंसा की गई, जो कि होनी भी चाहिए। अभी पिछले साल अक्टूबर नवंबर के महीने में हमारे भारतीय फौजी भाइयों की वीडियो सामने निकल कर आती है, जो न केवल खबरों तक पहुंच जाती है बल्कि लोगों के दिलों तक भी। लोगों के दिलों तक की बात हमने इसलिए कही, आप इस वीडियो को देखेंगे तो अपने आप ही समझ जाएंगे। इधर आ, इधर इधर रुक जा। ओए कोई नहीं चलाएगा, कोई फायर नहीं करेगा, कोई फायर नहीं करेगा। आजा इधर, आजा छोटू, जागीर इधर। कोई और तो नहीं है, वेपन है वही है। हाँ कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम आराम से, कुछ नहीं। आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ। पानी दो है, पानी लाओ, पानी पानी लाओ। ओए सारे दूर हो, नेक का काम किया है अभी, ठीक है ना। पहले की सारी गलती इसके साथ तो हमने रिक्वेस्ट किया है, इसकी माफ करें, ठीक है, लेकिन इसको आगे नहीं निकलने देना। अगर सब निकलेगा फिर मेरी लाश होगी पहले, नहीं कोई लाश निकलेगी, कोई घर से निकलेगी पहले मेरी लाश, मैं तो चाचा इसका। हम भी यहाँ लाश उठा के खुद नहीं होते, कोई नहीं, साथ भी नहीं। जहांगीर भट्ट नाम का ये युवा 3 दिन से लापता था और किसी आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लेता है। बावजूद इसके हमारे वीर जवान न केवल इसे ढूंढ लेते हैं बल्कि इसके सभी गुनाहों को माफ करके इसको एक नया जीवन दान देते हैं। जो लोग हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों में द्वेष पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये वीडियो शायद उनके दिलों तक पहुंचकर द्वेष को जड़ से खत्म कर पाएगा। यूं तो इंटरनेट पर आपको हमारे फौजी भाइयों के एक से बढ़कर एक ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाएगी जिनमें ये अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपना धर्म निभाते देखे जाते हैं। ऐसे ही किसी वीडियो में जब किसी फौजी भाई को कोई बच्चा पानी में डूबने की स्थिति में नजर आता है तो अपने हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सी की मदद से झूलते हुए उस बच्चे को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे सही सलामत ऊपर ले आता है, जहां उसकी माँ उसको देखने के लिए तरस रही होती है। बच्चे को यूं बाहों में भरे हुए की ये वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा देती है। हम सभी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, मगर हमारे फौजी भाई के लिए ये बेहद आम बात है। उत्तराखंड में अगर आप कभी हरिद्वार गए हैं तो आपने यहाँ पानी में डुबकी जरूर लगाई होगी, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि ऐसा करने से किसी इंसान के पाप धुल जाया करते हैं, मगर कभी कभी थोड़ी सी चूक भी ऐसी विकट स्थिति में ला खड़ा करती है। हरिद्वार में ही कहीं एक शख्स डुबकी लगाने के दौरान पानी के तेज बहाव में आकर बह जाता है, मगर यहाँ खड़े एक पुलिसकर्मी ने इस अनहोनी घटना को होने से बचा लिया। इस युवक को यूं पानी में देखते ही खुद उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और उसे पकड़कर बाहर सीढ़ियों की ओर ले आते हैं। सच ही कहा है, किसी ने मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे? मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे? मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां इन वीर जवानों की बहादुरी पर बिल्कुल सटीक बैठती हुई नजर आती हैं। सच्चे भारतीय इस वीडियो को एक एक लाइक देकर 50,000 लाइक्स का टारगेट जल्द से जल्द पूरा करने में हमारी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्लैनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।